सन्मान्य सदस्य मुफ्ती मोहम्मद खलील। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे कहने का मौका दिया। 2023-24 के एडिशनल बजट पर मैं महसूल वन विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग और नगर विकास पर जो है चर्चे के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मालेगांव सेंट्रल 114, नगर पालिका ने 30-40 साल पहले स्पोर्ट्स के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए 16.5 एकड़ जगह उन्होंने एक्वायर की थी, लेकिन नगर पालिका और महानगर पालिका ने उसको डेवलप नहीं कर सके। उसे क्रीडा संकुल को 2007 में दे दिया, लेकिन क्रीडा संकुल ने भी आज तक उस पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 7 लाख लोग बसते हैं और मुसलमानों की बड़ी संख्या है, और स्कूलों और कॉलेजों के पास ड्रग्स बिकते हैं, और बड़ी तादाद के अंदर हमारे नौजवान जो है गलत रास्ते पर जा रहे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने नौजवानों को स्पोर्ट की लाइन से, जिम खाने की लाइन से जोड़ते हैं, और स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर स्पोर्ट में कामयाबी हासिल करने पर कुछ नंबरात देते हैं, तो उससे उनका परसेंटेज बढ़ेगा, और ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर जाने से बच करके वो स्पोर्ट की लाइन से आ करके काम करेंगे। मालेगांव में वॉलीबॉल को लेकर के कई बच्चे नेशनल लेवल तक खेलने के लिए पहुंचे, और क्रिकेट में जो है रणजी तक पहुंचे। इसलिए आज मिनिस्टर्स, मैं आपके मार्फत सरकार से और मिनिस्टर से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये 16.5 एकड़ जगह है, इसके ऊपर जो है क्रिकेट स्टेडियम है, कुश्ती स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, जॉगिंग ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, कबड्डी है, खो खो है, ये सारे खेल के लिए वहां पर जगह उपलब्ध है। अगर सरकार इस मामले के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखते हुए मेरी डिमांड को मंजूर करती है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। दूसरा विषय मेरा ऐसा है कि मालेगांव सेंट्रल आउटर में वन विभाग और महसूल विभाग की जगह है, और कुछ लोग रोजाना रात में 15-15, 20-20 डंपर लगा करके मोरम चोरी करते, और तहसीलदार और प्रांत ऑफिस में कंप्लेन देने के बाद इंक्वायरी के लिए पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को नॉमिनेट किया गया था। हजारों बरास मोरम चोरी हुआ, और सिर्फ जो है 700 बरास की जो है रिपोर्ट दाखिल की गई है, इससे सरकार का बड़ा नुकसान है। मेरी जो है आपके मार्फत से सरकार से ये गुजारिश है कि इसकी फिर से इंक्वायरी की जाए, और जो इसमें चोरी करने वाले गुनहगार लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मालेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी 114 माले सेंट्रल में एक जमीनी किला है जो नारू शंकर राजा ने तामीर किया था, सर्वे नंबर 109 पर है, ये पुरातन डिपार्टमेंट की मिल्कियत है। नगर पालिका और महानगर पालिका ने किले के अंदर 1960 से 2018 तक 3 मरतबा बांध काम की मंजूरी दी है। किला और किले से लग करके जो खंदक की जगह है, ये पुरातन डिपार्टमेंट की मिल्कियत है, इससे लग करके इसके अतराफ में शासन की जमीन है जो शासन की मिल्कियत है। 2-368 झोपड़े 60-70 साल से वहां पर हैं। मालेगांव के कुछ लोग उनको उजाड़ना चाहते हैं। उन लोक आयुक्त में मसला था, लोक आयुक्त से जजमेंट आया कि इनका सर्वे करके इनको इसी जगह जो है बना रहने के लिए जगह दी जाए मालिकाना तौर पर। जो पीछे कलेक्टर थे उन्होंने जो है सर्वे करवाया था, कॉरपोरेशन में कमिश्नर को आदेश दिया था कि सर्वे करके इनको मालिकाना हक दिया जाए, और सर्वे वो लेआउट तैयार हो चुका है, और लेआउट तैयार हो जाने के बाद मेरी ये आपसे आपकी मार्फत सरकार से ये गुजारिश है कि उनके साथ न्याय और इंसाफ हो, और वो काफ़ी ज़माने से वहाँ बसे हुए हैं, और शासन का जीआर भी है 2011 का कि 30 साल से ज़्यादा अरसे से अगर कोई किसी जगह पर बसा हुआ हो तो उसे वहाँ से उजाड़ा ना जाए। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है उनको उसी जगह पर रहने दिया जाए, और इस सिलसिले के अंदर सरकार उनके साथ इंसाफ करे। बहुत बहुत शुक्रिया।